परेशान करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो उमेश पाल के मामले में लेके जा रहे हैं। नहीं नहीं, उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिन। आपको क्यों लगता है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे नहीं ले जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है, आप क्या अतीक अहमद को 16 दिन में दूसरी बार सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया जा रहा है। ये फुटेज शिवपुरी की है। यहाँ पुलिस का काफिला आधे घंटे रुका। माफिया अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज ला रही पुलिस का काफिला शिवपुरी से झांसी के लिए रवाना हो गया है। दोपहर तक प्रयागराज पहुंचने की संभावना है। शिवपुरी में पुलिस का काफिला करीब आधा घंटा रुका। अतीक ने यहाँ मीडिया से कहा, आपकी वजह से मैं सुरक्षित हूँ। मैंने वहाँ से कोई फोन नहीं किया, वहाँ पर जैमर लगे हुए हैं। मैंने जेल से कोई साजिश नहीं रची। 6 साल से मैं जेल में हूँ, मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। इससे पहले राजस्थान के बूंदी में अतीक ने कहा था, मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, मैं जेल में था, मुझे इसके बारे में क्या पता। कोई सवाल कर रहा था कि माफियागिरी समाप्त हो गई, माफियागिरी तो पहले ही समाप्त हो गई, अब तो रगड़ा जा रहा है। अतीक के भाई अशरफ को भी इसी केस में पुलिस बरेली से प्रयागराज लाएगी। इसके लिए प्रयागराज पुलिस की एक टीम बरेली जेल पहुंच गई है। दोनों भाइयों को आज सीजेएम कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां पुलिस वारंट बी के तहत कोर्ट में रिमांड अर्जी के तहत उसकी रिमांड मांगेगी। इसके बाद दोनों से पूछताछ भी होगी। प्रयागराज की जयंतीपुरम कॉलोनी में 24 फरवरी को उमेश पाल की दिनदहाड़े घर के बाहर गोली बम मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत पूरे परिवार को पुलिस ने नामजद किया है। इस हत्याकांड के मामले में पुलिस सबूत जुटा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए एमपीएमएलए कोर्ट में एक सप्ताह पहले वारंट बी के तहत अर्जी दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने अर्जी स्वीकार कर ली थी। प्रयागराज पुलिस को 2 प्रिजन वैन और इंस्पेक्टर समेत 30 पुलिसकर्मियों की टीम लेकर मंगलवार की सुबह साबरमती जेल पहुंची थी। वहां कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद अतीक को लेकर पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। प्रयागराज पुलिस की टीम में एक इंस्पेक्टर, 30 कांस्टेबल शामिल है। वारंट भी किसी भी जेल में बंद आरोपी के लिए जारी होता है। किसी मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब कोर्ट को बताता है कि हमने इस व्यक्ति को आरोपी बनाया है, तब कोई वारंट भी जारी करता है। इससे पहले भी अतीक अहमद को अहमदाबाद से प्रयागराज लाया जा चुका है। यूपी एसटीएफ की टीम 26 मार्च को अहमदाबाद जेल से शाम 5:45 पर अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। वह 27 मार्च को शाम 5:30 प्रयागराज की नैनी जेल पहुंची थी। टीम ने 1300 किलोमीटर का सफर 23 घंटे 45 मिनट में पूरा किया था। इस दौरान काफिला 8 जगह रुका था। उधर उमेश पाल की मां शांति पाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि अतीक और अशरफ को फांसी मिले। मेरे बेटे उमेश पाल का जिस तरह से मर्डर हुआ, इस हत्याकांड में शामिल रहे अतीक के बेटे असद और सभी शूटर्स का एनकाउंटर हो। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।